हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज अपने सामने है भाई किया की सोनेट। भाई लोगों की काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा गाड़ी है भाई, जो आप अपने सामने देख रहे हैं। अगर आपको वो एक छोटी गाड़ी चाहिए एसयूवी के अंदर, तो आप ये ले सकते हैं भाई, जाके एक बार आप शोरूम विजिट कर सकते हैं भाई। ये जो आप अपने सामने कार देख रहे हैं किया सोनेट, एक बार शोरूम पे जाके ज़रूर विजिट करिए भाई। इस कार को देखिए भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक्स हैं कार के, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी है भाई। इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। अपने सामने जो आप देख रहे हैं, ये इसका HTE ऑप्शनल वेरिएंट है भाई। अभी कुछ टाइम पहले ही कंपनी ने लॉन्च करा था ऑप्शनल वेरिएंट। HTE पहले से ही आता था। और ये जो अपने सामने आप गाड़ी देख रहे हैं, ये पेट्रोल के अंदर है ये जो गाड़ी है। प्राइस की बात करें तो इसका एक्सशोरूम प्राइस जो है वो मात्र 8,19,000 रुपये इस गाड़ी का एक्सशोरूम प्राइस है। तो आज मैं आपको इसका फुल डिटेल वॉक अराउंड दूंगा इंटीरियर और एक्सटीरियर का। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस कार के डिटेल वॉक अराउंड से। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस कार का बोनट ओपन करके दिखा देता हूँ। एक बार इस कार का बोनट ओपन कर लेते हैं और इंजन के बारे में बता देता हूँ आपको। इस कार के इसका बोनट ओपन कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 82 bhp एंड 115 nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। माइलेज की बात करें तो 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। ऊपर की साइड में इंसुलेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको इस कार के अंदर भाई। और भाई कार का बोनेट काफ़ी ज़्यादा हैवी भी नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भारी भी नहीं है। अगर देखा जाए तो नॉर्मल है, ठीक ठाक है, उठाने में प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बाकी फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। और बट यार चाबी देखो एक बार इस कार की, यार चाबी ये ऑल्टो वाली चाबी दे रखी है यार। मतलब ये चीज़ देख के थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है भाई। कार के अंदर फीचर्स भी बहुत सारे दे दिए हैं बट ये चाबी अच्छी नहीं लगती यार। और फ्रंट प्रोफाइल देखो यार, फ्रंट प्रोफाइल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसी लगती है इस कार की, या फिर वेन्यू की अच्छी लगती है, इसी सेगमेंट में आती है। बाकी आपको हेलोजन का ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे और आपको ये DRL देखने के लिए नहीं मिलती। ये आपको क्रोम की स्ट्रिप दे दी है अंदर, आपको ये देख सकते हैं हेलोजन में ही मिलेंगे। लो और हाई बीम के लिए आपको इसके अंदर बल्ब देखने के लिए मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर, और ये फॉग लैंप आपका यहाँ की साइड में प्लेस कर दिया है इस कार का। बाकी यार ये आपकी ग्रिल आ जाती है कुछ इस टाइप की, आपकी मैट में इस कार की ग्रिल आ जाती है। एक बार दिखा भी देता हूँ आपको क्लोज से मैं इस कार की, देख सकते हैं मैट में ग्रिल है इस कार की आपके सामने जो देख रहे हैं। अब बाकी यार भाई फ्रंट प्रोफाइल तो काफ़ी ज़्यादा, मुझे तो अपने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, सही बताऊँ तो। साइड प्रोफाइल की तरफ चल लेते हैं तो साइड प्रोफाइल देख लो भाई इस कार की, एक बार साइड प्रोफाइल से देखो। मतलब यार लग रहा है आपको कि बेस वेरिएंट टाइप ही है ये कार, मतलब HTE बेस वेरिएंट में ही आता है भाई, ऑप्शनल है तो एक दो फीचर इसमें बढ़ा दिए हैं। बाकी टायर प्रोफाइल की बात कर लें एक बार इस कार के, तो टायर प्रोफाइल देखो यार, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये आपको व्हील कवर लगे हुए मिल जाएंगे जो आप देख रहे हो, एलॉय व्हील नहीं मिलते, बेस वेरिएंट है क्योंकि इस कार के अंदर। और ये आपका टायर साइज आ जाता है 195/65R15 15 inches के, देख सकते हैं आपको इसके अंदर टायर का साइज मिलता है 15 inch का। बाकी साइड प्रोफाइल में आपको देख सकते हैं फेंडर पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है जो आप देख रहे हैं, और ब्लैक कलर की क्लाइडिंग साइड में आपको देखने के लिए मिलती है प्रॉपर। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको क्रोम में, आपको ये एसेसरीज का पार्ट है, आप एसेसरीज में लगवा सकते हैं। बाकी फेंडर पे आपको मैंने बता ही दिया था, टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ की साइड में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ORVM की बात करें तो आपको फोल्डेबल अनफोल्डेबल ORVM नहीं मिलते, आपको अंदर से ही करने पड़ेंगे। बाकी बॉडी कलर के ही डोर हैंडल मिलेंगे और कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलेगा। चाबी तो आपने देख ही ली थी तो रिक्वेस्ट सेंसर मिलने की कोई वो ही नहीं है। बाकी ऊपर की साइड में रूफ रेल्स भी नहीं मिलती, बट इसके अंदर आपको सनरूफ देखने के लिए मिलता है भाई। ये चीज ऐड कर दिया ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर, सनरूफ दे दिया है। यह आपका एंटीना आ जाता है कार का। अब एक बार इस कार की रियर प्रोफाइल देख लो भाई, रियर प्रोफाइल आप मुझे बताओ भाई कैसी लग रही है भाई। पुरानी वाली सोनेट की अच्छी लगती थी या फिर ये वाली अच्छी लग रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई इस कार की भाई। और बाकी इसमें आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाएगी, और ये आपका देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर वगैरह सब इसी के अंदर आ जाता है आपका भाई जो आप देख रहे हैं। बाकी नीचे की साइड में आपका रिवर्स लाइट देखने के लिए मिल जाती है इस कार की, ये जो आप देख रहे हो। और आपको इस कार के अंदर देख सकते हैं यहाँ की साइड में रियर प्रोफाइल पे किया की बैजिंग और सोनेट, ये देख सकते हैं सोनेट लिखा हुआ मिल जाता है ये सब। और दो पार्किंग सेंसर्स रियर में देखने के लिए मिलते हैं इस कार के अंदर, और कोई भी डिफॉगर नहीं मिलता, वाइपर नहीं मिलता, और ऊपर की साइड में एक अपर स्टॉप लैंप देखने के लिए मिल जाता है। बूट स्पेस ओपन कर लेते हैं इस कार का, तो 385 लीटर का बूट स्पेस मिलता है इस कार के अंदर भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बूट स्पेस है भाई 385 लीटर का, कम नहीं है। पार्सल ट्रे देखने के लिए नहीं मिलती क्योंकि बेस वेरियंट है ये जो आप देख रहे हो भाई, बेस वेरियंट है।
हसल ट्रे देखने के लिए नहीं मिलती। एक बार आपको इसका मैं देख सकता हूँ स्पेयर व्हील दिखा देता हूँ आपको इस कार का, एक बार स्पेयर व्हील देख रहे हो, ये सब आपका स्पेयर व्हील आ जाता है और ये आपका देख सकते हैं टूल किट यहाँ की साइड में देखने के लिए मिल जाती है इस कार की। बूट स्पेस बंद कर देता हूँ भाई, अब एक बार इस कार के इंटीरियर की भी बात करेंगे। अब इंटीरियर में बैठ के इंटीरियर की बात करता हूँ, तो पहले आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर में कंपनी क्या क्या ऑफर करती है। ये जो आप देख रहे हो ना भाई, ये आपका सब हार्ड प्लास्टिक है, कोई भी सॉफ्ट टच नहीं दे रखा, हार्ड प्लास्टिक दे रखा है प्रॉपर। दो विंडोज़ का आपको कंट्रोल मिलेंगे आगे की साइड में, दोनों ही पावर विंडो, और पीछे वाली हाथ से घुमानी पड़ेगी यार, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी सी लगती है। ORVM के कंट्रोल मिल जाएंगे, ये आपका डोर हैंडल आ जाएगा। बाकी सीट की बात करें तो सीट्स आपको फैब्रिक में मिलेगी जो आप देख रहे हैं इस कलर की, हाइट एडजस्टेबल सीट देखने के लिए नहीं मिलती। सीट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार, सही बताऊँ तो ये देख सकते हैं सीट की क्वालिटी ना, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं इस कार के, इंटीरियर की बात कर लें इस कार के, तो इंटीरियर देखो कुछ भी लगा हुआ नहीं मिलता, स्क्रीन लगी हुई नहीं मिलती आपको इस कार के अंदर। ये जो आप देख रहे हो भाई, स्क्रीन लगी हुई नहीं मिलेगी आपको, ये जो आप देख रहे हो इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। बाकी इंटीरियर में कंपनी क्या क्या ऑफर करती है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इस कार के अंदर। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील देखो, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा, नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलता है। बीच में आपको किया का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, इधर की साइड में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, एक्यूमुलेटेड इन्फो, टायर प्रेशर मिल जाएगा भाई आपको, ड्राइव इन्फॉर्मेशन सिंस रिफ्यूलिंग ऑटो स्टॉप, तो ये सब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, टॉप मॉडल और बेस मॉडल में सब में सेम ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है। बाकी इधर की साइड में इसके वाइपर्स के कंट्रोल आ जाएंगे, और इधर की साइड में आप देख सकते हैं हेडलाइट्स के कंट्रोल आ जाते हैं जो आप देख रहे हो। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स नहीं मिलती इस कार के अंदर हमें। बाकी इधर की साइड की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आ जाता है, एक ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाता है, एक हेडलाइट अप डाउन करने का बटन आ जाता है जो आप देख रहे हैं। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये इसके ORVM यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं इस कार के, तो ये सब बटन यहाँ की साइड में आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी ये जो आप देख रहे हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ नहीं मिलता है इस कार के अंदर, आप लगवा सकते हैं, बाकी लगा हुआ नहीं मिलता है इस कार के अंदर। यार गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा सा AC चला लेते हैं कार का, तो ये चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलती। बाकी ये ऑटोमेटिक AC वगैरह कुछ नहीं मिलता, मैनुअल AC देखने के लिए मिलता है जो आप देख रहे हो, ऑटोमेटिक AC नहीं मिलता। AC वेंट्स आपको कुछ ऐसी मिल जाएंगे जो आप देख रहे हो। बाकी डैशबोर्ड की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक का यूज़ कर दिया है डैशबोर्ड पे, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में आ जाती है ये गाड़ी। यहाँ की साइड में एक टाइप सी का पोर्ट दे दिया है चार्जिंग के लिए, चीज़ अच्छी कर दी है। एक 12-volt का पावर सॉकेट दे दिया है चार्जिंग के लिए। बाकी इधर की साइड में कुछ नहीं दिया है, ऐसी बस आपका डमी टाइप है, कुछ भी नहीं है। बाकी इधर की साइड में भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। मैनुअल हैंडब्रेक देखने के लिए मिलता है, 2-cup होल्डर यहाँ की साइड में स्पेस देखने को मिलता है, और एक आर्मरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है इस कार के अंदर, और ये देख सकते हैं आर्मरेस्ट के अंदर लिटिल स्पेस देखने के लिए मिलती है। बाकी ये देख सकते हैं इसका ग्लोव बॉक्स आ जाता है, देख सकते हैं मैनुअल IRVM आता है जो आप देख रहे हैं, मैनुअल IRVM देखने के लिए मिलेगा। और इधर की साइड में आपको देख सकते हैं कोई भी टिकट होल्डर देखने के लिए नहीं मिलेगा, और इधर की साइड में ना ही कोई वैनिटी मिरर मिलेगा, ना ही कोई टिकट होल्डर मिलेगा। बाकी इस कार की अब एक बार सेफ्टी की बात कर लें तो इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, TPMS मिल जाएगा भाई। बेस वेरिएंट से ही इस कार के अंदर आपको 6 एयरबैग्स देखने के लिए मिल जाएंगे, TPMS का फीचर भी मिल जाएगा, टायर प्रेशर मॉनिटराइजिंग सिस्टम। अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं तो 1 बार बीप करेगी, अगर आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं तो ये गाड़ी कंटिन्यूसली बीप करती रहेगी। सीट बेल्ट वार्निंग लाइट्स का फंक्शन मिल जाएगा, मतलब सेफ्टी में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई ये कार। और एक बार यहाँ से आपको बोनेट भी दिखा देता हूँ, देखो अच्छा खासा बोनेट दिख रहा है, ड्राइविंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस कार के अंदर। इधर की साइड में आप देख सकते हैं, इधर की साइड में आपको देख सकते हैं सनग्लास होल्डर का स्पेस मिल जाता है, ये आपको हेलोजन लाइट्स मिल जाती हैं, और ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको अब जो बेस मॉडल से ही आपको सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है जो आप देख रहे हैं, देख सकते हैं सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है जो आप सनरूफ है, आपको एक सनरूफ भी मिल रहा है भाई इस कार के अंदर। और क्या ही चाहिए भाई, सब कुछ फीचर मिल जाते हैं। अब इस कार की रियर सीट पे चल लेते हैं, एक बार रियर सीट पे बताते हैं। बाकी ड्राइवर वाली सीट तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है भाई, देख सकते हैं थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हो रही बैठने में। अब रियर सीट पे चल लेते हैं एक बार इस कार की, तो गाइस अब इस कार की रियर सीट पे बैठ गए। और यार मतलब एक चीज़ बताऊँ ना, मैं रियर सीट पे तो बैठ गया हूँ इस कार की, बट यहाँ की साइड में हेडरेस्ट एडजस्टेबल है ही नहीं, तो मेरा सर कहाँ जा रहा है, मेरी हाइट इतनी लंबी है तो ये सीट तो अनकंफर्टेबल बोलूँगा, कंफर्टेबल है ही नहीं ये सीट सही बताऊँ तो। बाकी कुशनिंग वगैरह बढ़िया है, बट ये चीज़ जो है ना यहाँ के इसके हेडरेस्ट वो ही नहीं है, बिल्कुल भी एडजस्टेबल है ही नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है भाई
कहा इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा भाई, इसमें कोई भी नहीं कर पाएगा भाई, मैं ही क्या, मेरे बराबर का कोई आदमी नहीं कर पाएगा। बाकी ये देख सकते हैं ग्रैब हैंडल आ जाएगा ये जो आप देख रहे हैं, और ये देखो यार मतलब सनरूफ दे दिया गाड़ी में, बट ये क्या है भाई, ये चीज़ समझ नहीं आती भाई, ये क्यों यार, ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए यार कंपनी को यार, ये मतलब सनरूफ मिल जाता है आजकल हमारे इंडिया में, सनरूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इन सब चीज़ों के, ये सब चीज़ें दे दी चाहिए भाई, सनरूफ काट देना चाहिए। बाकी नीचे की साइड में बोतल होल्डर का स्पेस आ जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी एक केबिन लाइट आ जाएगी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ की साइड में केबिन लाइट आ जाएगी, नीचे की साइड में टू टाइप सी ये पोर्ट आ जाएंगे चार्जिंग के लिए, और ये आपका एसी वेंट्स आपका रियर में आ जाएगा। बाकी यार यहाँ की साइड में कोई भी इसके अंदर देख सकते हैं कर्टन्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा। तो यार ये था इसका फुल डिटेल वॉक अराउंड इंटीरियर और एक्सटीरियर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।